गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद नदीम, एमडी मेडिसिन, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हसन मेडिकल कॉलेज जोधपुर। आज विश्व हृदय दिवस पर आज हमारा चर्चा का विषय है हाइपरटेंशन। इस पर आज हम डिस्कस करेंगे हाइपरटेंशन क्या होता है और इसका रोकथाम कैसे किया जाए। आमतौर पर हर कोई स्वस्थ या सामान्य ब्लड प्रेशर रखना चाहता है, लेकिन इसका अर्थ सही क्या है? मूल रूप से जब भी दिल धड़कता है तब रक्त वाहिनियों में रक्त पंप करता है। इस रक्त वाहिनियों की दीवारों पर दबाव पैदा होता है, इसी को रक्तचाप कहा जाता है। सामान्य रूप से स्वस्थ व्यक्ति में दिन भर बढ़ता या घटता रहता है, लेकिन जब ब्लड प्रेशर लंबे समय तक ऊंचा ही रहता है, इसका इलाज नहीं किया जाता है, तो इसके कारण सेहत पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। सामान्यतः ब्लड प्रेशर का लगातार सामान्य से अधिक रहना हाइपरटेंशन कहलाता है। हाई ब्लड प्रेशर अक्सर समय बीतने पर उभरता है या अस्वास्थ्यकर जीवन शैली जीने के कारण हो सकता है, जैसे कि पर्याप्त शारीरिक गतिविधियां नियमित रूप से नहीं करना, मोटापा, धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन बहुत अधिक करना और तनाव इत्यादि में रहना। इसके अन्य जोखिम कारक भी है जो हाइपरटेंशन होने का रिस्क बढ़ा दे सकते हैं, जैसे कि उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, धमनियां सख्त और संक्रिय होती जाती है, उनके कारण फैट धमनियों के अंदर अतिरिक्त फैट जमा हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर एक पारिवारिक इतिहास भी हो सकता है। प्रीवियस फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी कई बार ब्लड प्रेशर की समस्या बनी रहती है। नमक का अत्यधिक सेवन करने से, पोटेशियम युक्त आहार की कमी के कारण, प्रोसेस्ड या फैटी फूड लेने से भी कई बार ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ जाती है। अन्य कारण जैसे तनाव, अस्वास्थ्यकर, इनके कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। आगे बात करें तो हाइपरटेंशन का कोई प्रत्येक संकेत लक्षण नहीं होता है। कई बार इसे साइलेंट शत्रु या किलर भी कहा जाता है। इसके चलते लोगों को कार्डियोवैस्कुलर समस्याओं से, गुर्दे की नाकामी, स्ट्रोक और आंखों की क्षति या अंधापन होने से सहित कई रोगों का जोखिम पैदा करते हैं। इसलिए हाइपरटेंशन के प्रबंधन में जल्दी और सटीक निदान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामान्य रूप से जब लक्षण उभरते हैं तब उनमें शामिल होते हैं जैसे अर्ली मॉर्निंग, सर दर्द होना, थकान रहना, धुंधलापन दिखना, कानों में घंटियों की आवाज आना, थकान रहना, उबकारी, उल्टी आना, मन नहीं लगना आदि। इस तरह के कई कॉमन सिम्टम्स पेशेंट कंप्लेन करता है। सौभाग्य से हाई ब्लड प्रेशर का डायग्नोसिस आसानी कैसे किया जाता है, इसे अपन स्पेक्नोमेनोमीटर से नापा जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसे हार्ट को कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कहा जाता है, और 80 mg डायस्टोलिक होता है, जब दोनों कॉन्ट्रेक्शन के बीच में हार्ट विश्राम अवस्था में होता है, उसे डायस्टोलिक कहा जाता है। यदि ब्लड प्रेशर का स्तर 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज्यादा हो तो इसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। इसे इस जोखिम की रोकथाम की जा सकती है और इसे स्वस्थ जीवन शैली की दिशा में कदम उठाते हुए घटाया जा सकता है, जैसे नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार, धूम्रपान छोड़ना, अल्कोहल कम या बंद करना, नियमित ब्लड प्रेशर की निगरानी रखना, तनाव का प्रबंधन करना और दवा का पालन करना। जीवन शैली के कुछ ऐसे पल जिनसे अपन ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं, जैसे नियमित व्यायाम और शारीरिक गतिविधि। व्यायाम हाई ब्लड प्रेशर को कम करने का दवा मुक्त तरीका हो सकता है। नियमित व्यायाम करने से शरीर की हृदय सशक्त होता है और सशक्त हृदय सशक्त होता है तो वह कम मेहनत के साथ अधिक रक्त पंप कर सकता है। इसलिए यदि दिल को रक्त पंप करने के लिए कम मेहनत करनी पड़ती है तो रक्त वाहिनियों पर दबाव कम होगा और ब्लड प्रेशर घटेगा। अन्य मामलों में, जैसे सभी जानते हैं कि आयु और वजन का बढ़ना हाई बीपी के लिए तो प्रमुख जोखिम कारक है। यदि ब्लड प्रेशर अपेक्षित रहता है, यानी 120/80 मिलीमीटर मर्करी से कम, तो आपकी बढ़ती उम्र में व्यायाम इससे बढ़ने से रोकने में मदद कर सकता है। नियमित व्यायाम से आपको शरीर भार बनाए रखने में मदद मिलती है। स्वस्थ आहार ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में आहार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि स्पेसिफिक एक चीज होती है डैश डाइट, सैचुरेटेड फैट और फुल फैट का कम करना, पोटेशियम का अच्छा आहार लेना और सोडियम की मात्रा कम करना। डैश डाइट का मतलब होता है डायटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसका सेवन करने से 11 mm ऑफ मरकरी अपन ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं। डैश डाइट के अंदर आते हैं समूचे अनाज, फलों, सब्जियों, कम फैट वाले दुग्ध उत्पादों से भरपूर या कम सैचुरेटेड फैट तथा कोलेस्ट्रॉल वाले डैश डाइट खाने से हाई ब्लड प्रेशर को कम किया जा सकता है। सोडियम की मात्रा कम करने से 5 से 6 mg ऑफ मरकरी आप बीपी कम कर सकते हैं। धूम्रपान छोड़ने से भी इसमें फायदा मिलता है और अल्कोहल की मात्रा कम करने से भी इसमें आपका बिना आप दवाइयों के बीपी कम कर सकते हैं। नियमित रूप से आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करनी रहती है, जिससे आपको पता चलता रहे कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या घट रहा है, और अपने आप को तनाव मुक्त रखे भी अपने आप को आप ब्लड प्रेशर बढ़ने से रोक सकते हैं। अगर इन सभी चीजों के बावजूद अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है तो अपने को दवाओं का सेवन करना होता है। 140/90 इसकी लिमिट होती है, इससे ऊपर होने पर आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयां लेनी पड़ेगी। अतः मेरा आपसे सुझाव है कि चुस्त और स्वस्थ जीवन में अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में अपने लंबे और स्वस्थ जीवन का आनंद लेने में मदद मिल सकती है। हाई ब्लड प्रेशर की रोकथाम और नियंत्रण कई तरीके से किया जा सकता है।
कार्डियोवैस्कुलर जटिलताओं को रोकने के लिए ब्लड प्रेशर को सामान्य सीमा के अंदर रखना बहुत ही अहम है। नियमित निगरानी और रोकथाम संबंधी देखभाल के साथ ब्लड प्रेशर लेवल को बनाए रखना काफी हद तक संबंध है। अतः मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपने ब्लड प्रेशर को नियमित रूप से इसका निगरानी पर रखें, चेक करवाते रहें, और अपने जो भी फिजिशियन या जो अपने कंसल्टेंट डॉक्टर हैं उनसे इसके लिए रेगुलर ट्रीटमेंट लेते रहें। थैंक यू।